गुजारिश करूंगा कि आप आए और अपने हयालात का इजहार करें और अपने भाइयों को ये बताएं कि औरतें हम हवातीन किस तरह अपने भाइयों के साथ शाना बिशाना हर जगह पे चलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं तो सब दुनिया के परचम और तराने मोहतरम जो हमें जुटलाएं वो परचम वो तराने मुस्तरद। ये शेर सबसे ज़्यादा इसी चौक पे जो है वो फिट बैठता है। मैं सबसे पहले सरजमीन डडियाल पे मौजूद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कारकुनान लीडरान उनकी इस काविश को सलाम पेश करूँगी। रियासत जम्मू कश्मीर पे इस वक्त जो वक़्त चल रहा है उसकी अशद ज़रूरत है कि तहफ़्फ़ुज़े जम्मू कश्मीर को तहरीक बनाया जाए, उसको रियासत के चप्पे चप्पे तक लेके जाया जाए और बताया जाए इन काबजीन को कि हम तकसीम का हर अमल सिरे से मुस्तरद करते हैं और इसके लिए हमें जिस किसी हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। हम अपने हर जलसे हर जुलूस हर रैली जहाँ हमें मौका मिलता है जिस प्लेटफॉर्म पे हम ये ललकार के बताते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा यहाँ के रहने वाले लोगों का है, इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं है। तुम जितने मर्जी जाली बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट बना के अफगानियों को पंजाबियों को यहाँ पे दाखिल करो और फिर उनको यहाँ पे कश्मीरियों के सरों के ऊपर बिठा दो, हम फिर भी मुस्तरद करेंगे। तुम उनको ताकत बख्शो, हम फिर भी मुस्तरद करेंगे। तुम उनको अख्तियारात दो जो के यहाँ पे कब्जा जमाने आए हैं, हम उनको फिर भी मुस्तरद करेंगे। क्यों करेंगे? कि रियासत जम्मू कश्मीर हमारी नस्लों की विरासत है। हम कैसे बर्दाश्त करते हैं अपने बच्चों की विरासत गैरों के हवाले करने? हमारा खून खौलता है। इस रियासत के लिए कोई कम कुर्बानियां नहीं दी है हमारे लोगों ने। इज्जतें लुटाई हैं, घर बार लुटाए हैं, जवानियां लुटाई हैं, घर घर में कोई ना कोई गाजी और शहीद मौजूद है और फिर हमें आके कहते हैं कि जो है कभी इसको सूबा बना ले, कभी इसको पूरी जो है वो स्टेटस दे दे, कभी इसको फलां कर दे, कभी डिमका कर दे, कभी जाली वजीर आजम दे देते हैं, कभी जो है वो सदर दे देते हैं। तो ये ड्रामे ये ढकोसले कश्मीरी मानने वाले नहीं है। ये चौक मकबूल भट्ट शहीद के नाम से जो मंसूब था, यहाँ से जो एक तहरीक शुरू हुई थी तनवीर अहमद की सरबराही में, उन्होंने यहाँ से गैर मुल्की झंडा उतारा था। मैं कहती हूँ एक वो दिन आएगा और हम लेके आए हैं आएंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से गैर मुल्की परचम उतरेंगे। हम उतारेंगे, हमारे बच्चे उतारेंगे। ये कब्जे की इलामत है। जाए जाके पाकिस्तान के किसी शहर या पार्लियामेंट के अंदर जाके हिंदुस्तान का परचम लगा के देखे, वो आपका खून ना पी जाए। तो हम बेगैरत हैं? हम क्या किसी से कम है कि हमारे बच्चे गैरू के परचम उठाते नजर आए, हमारे बच्चे गैरू की तारीखें पढ़े? ये हमारी कौमी गैरत का सवाल है। क्या हम इनको हर दौर में ललकार के बताएंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा यहाँ के रहने वालों का है? पिछले साल जब तनवीर साहब जेल में थे, यहाँ चौक में ने तकरीर की थी, उसमें मैंने यही बताया था, सात अल्फाज में बताया होगा, मैं हमेशा सात अल्फाज में बात करती हूँ। देखें, आपके घर का कोई प्लाट का मामला होना तो उस पर कोई गैर कानूनी जबराना कब्जा कर ले, वहां पे अपने लोग बिठा दे, चारपाइयां लगा दे, कुर्सियां लगा दे और आपको वहां से बेदखल कर दे और आपके बच्चों के पास वही रहने की जगह हो तो आप उनको किन अल्फाज से पुकारेंगे? उनका अबजीन को गालियां देंगे ना, जूते मारेंगे ना, उनको घसीट के वहां से निकालेंगे? तो जब हम अपनी रियासत के अंदर घुसे हुए गुंडों को निकालने की बात करते हैं तो फिर हमारी ही रियासत के रहने वाले लोगों को ये बात बुरी क्यों लगती है कि जो उनकी तनहाओं पे पलते हैं? आपकी तनहाओं की खातर हम अपने लहजों में नरमी अख्तियार कर ले, अपने मुल्क को तकसीम होने दे दे,
ये मुमकिन नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर शनाख्त है हमारी नस्लों की, और ये उस वक्त से है जब इंडिया पाकिस्तान का अभी वजूद भी नहीं था, ये बरे सगीर था। रियासत जम्मू कश्मीर तब भी अपनी एक अलग पहचान रखता था, और अब हम किसी मसाल जो है वो उसमें आके मसालती के वो ग्रोह के कहने पे आके छोड़ दें जी, सूबा बना दें जी, इसको इंतजामिया मूर दे दें जी, मुमकिन नहीं है। जब हमें कब्जे की बात करनी है तो सात अल्फाज में करनी है, ललकार के करनी है, बताना है दुनिया को कि ये काबिज है, पाकिस्तान काबिज है, हिंदुस्तान काबिज है, ये उनके यहाँ पे बसने वाले लोग काबिज हैं, उनकी फौजें यहाँ पे काबिज हैं, यहाँ के शहरी जो है वो इस मुल्क के वारिस हैं। सईद असद साहब ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात की कि आप मर्द हजरात हमारे भाई चौकू और चुराहू में खड़े होके इनको ललकारते तो हैं, लेकिन अपनी खवातीन और अपनी नस्लों तक इस पैगाम को पहुंचाएं। हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में बच्चों को कश्मीर की तारीख नहीं पढ़ाई जाती, वहां पे जबरदस्ती लोगों को साबित किया जाता है, उस तरफ वालों को हिंदुस्तानी साबित किया जाता है, यहाँ वालों को पाकिस्तानी साबित किया जाता है। और हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठते बैठ के देखते रहेंगे? 25 साल के हो जाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि रियासत मुतनाजा है जी, यहाँ पे दो फौजों का कब्जा है जी। ये बात उनको बचपन में क्यों ना पढ़ाई जाए, ये जरूरी है, उनको अपनी तारीख से आशना करना जरूरी है। और यहाँ पे जो एक जाली हकूमत तश्कील दी गई है, जो अपने वोटू और अपने कुर्सियों के लालच में जिन्होंने लोगों को ग्रोह दर ग्रोह बरादरियों के नाम पे उकसाया, लड़ाया, कुछ लोग मर भी गए, किसी के सर पे कोई जू नहीं रिंगी। और हम जब कहते हैं कि तहरीक आज़ादी के नाम पे आओ हमारे साथ सड़कों पे, ताकि हम दुनिया को बता सके कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग खुद मुख्तारी चाहते हैं, तो तब हमें ये कहते हैं कि ये लोगों के बच्चों को स्कूलों में पढ़ने नहीं देते, ये लोगों के बच्चों को कॉलेजों में पढ़ने नहीं देते, उनको साथ घसीट के ले जाते हैं। तो जब तुम इलेक्शन की रैलियां निकाल रहे थे, जब गैर मुल्की कब्जे को यहाँ मुसल्लत करने की बातें कर रहे थे, तो जो बच्चे तुम लोगों के साथ चल रहे थे उनका क्या मुस्तकबिल था, उसको किस लालच में साथ लेके चल रहे थे? ये क्या हो, हम तुम्हें टूटी खंबे या नलके की सियासत सिखाएं? आओ हम तुम्हें जो है वो स्कीमें और नालियां और ये जो रोडें हैं बनने के जो ठेके मिलेंगे उसके लालच में उनको लेके साथ चलते थे? ये सब ढकोसले, सब ड्रामे बंद हो जाने चाहिए। हम सरों पे कफन बांध के निकले हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, हमारा हक बनता है यहाँ से हर काबज को, चाहे वो अफगानी है। ये अक्टूबर का महीना हर लिहाज से ये बात हमें ये याद दिलाता है कि यहाँ पे किस तरह कब्जा हुआ था, किसने मीठी छुरी बन के वार किया था और किसने खुलेआम यहाँ पे कब्जा किया था। हमें दोनों का किरदार याद है, और हम ये किरदार इनको हर गली कूचे में दोहरा के सुनाएंगे, चाहे ये शर्मिंदा हो या चाहे इनके सहूलतकार जो है वो यहाँ पे शर्मिंदा हो। और हम निहत्ते खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं, और हम लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, जितनी हमारे अंदर जान है लड़ेंगे, हर तरह की कुर्बानी दे के लड़ेंगे, जान की, माल की, इज्जत नफ्स की कुर्बानी दे के लड़ेंगे। तुमसे जो हो सकता है कर लो, जितने कुत्ते छोड़ने हैं छोड़ लो, फेसबुक पे छोड़ लो, सोशल मीडिया पे छोड़ लो, घरों में घुसाओ, लेकिन ये कब्जे के खिलाफ चलने वाली जंग कभी बंद नहीं होगी। हम फिर भी ललकार ललकार के बताएंगे, गो इंडिया, गो पाकिस्तान, वी वांट फ्री कश्मीर। बहुत शुक्रिया। ये थी तहरा तोबीर साहिबा, मेंबर मजलिस आमा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जोन। मैं मुख्तसर से टाइम के लिए हाफिज़ साजिदुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और मुख्तसरन अपनी हाज़िरी